Assalamualaikum, my dear student. Today we are going with the next chapter or the next lessons which will be there in your 12th standard, that is your digital marketing. What is digital marketing? आपके लिए digital marketing क्या होता है? Digital क्या मतलब? With the electronics, we are doing the marketing. There is no need of newspaper and other things. Everything you can go with your social networking. That's it. This is called as digital marketing. So digital marketing is the term used for the targeted, measurable and interactive marketing of the products or service using digital technology to reach the viewers, turn them into customer. And अब आपको देखो बहुत अच्छा आपको सरकमफ्रेंस बता दूँ. आप एक सिंपल देखो, बहुत सारे आप जैसे कंप्यूटर ऑन करोगे, इंटरनेट ऑन करोगे, तो आपको अगर कुछ चीज़ देखनी है या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप से आपको वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जब आपको अट्रैक्ट करेंगे वो आप व्यूअर बन के उसको देखेंगे, फिर वो आप टर्न अप हो जाएंगे कस्टमर पे, फिर वो आप मतलब बिजनेस प्रमोट करना एक डिजिटल मार्केटिंग में होता है. जो मार्केटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो. और यहाँ पे सबसे मेन इज एट द कोर ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केटिंग टूडे. It has gone from one of the thing marketing does to the thing that marketing does. मतलब हर चीज़ सिर्फ मार्केटिंग के अंदर है. क्या कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ जाना है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा आसान है. क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखोगे तो आपको एड्स मिलते टीवी पे, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे. डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या देख सकते हो, व्हाट्सएप पे है तो आप अपने सेंड कर सकते हो, वाई मेल से सेंड कर सकते हो, वाई सोशल नेटवर्किंग से. कोई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको कैश का ऑप्शन था, अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको देखा जा रहा है कि आप ऑपरेशन पे बाय पर क्लिक, कोई एड्स को क्लिक किए तो आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं. यह खाली एक तरफ से नहीं कि दोनों तरफ से, तो बाय क्लिकिंग ऑल्सो यू कैन गेट. बहुत सारा अभी आप ऐप्स देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे गूगल पे ही है. अगर सडन आप कोई बिल पे करो, कुछ बिल आपको 5 रुपया फिर कम बैक हो रहा है, कोई आपको रिडीम हो रहा है, ये सारे टेक्नोलॉजी यूज करके यूज़र को अट्रैक्ट किया जाता है. और ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर देखो तो आपको क्या दिख रहा है, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ में अगर आपको मिल गया, न्यूज़पेपर में मिल गया तो आपको मार्केटिंग हो रही है. पहले ऐसे ही होता था. देन वी आर हैविंग टीवी गिविंग एड्स, होर्डिंग पे आप देख रहे हो, या कोई स्पीक कर रहा है, या रेडियो में आप सुन रहे हो. मगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको यूट्यूब चैनल्स आते हैं फॉर मार्केटिंग, फ्यूचर्स आते हैं, सोशल नेटवर्क में एन नंबर्स ऑफ थिंग्स आते हैं थ्रू इंटरनेट वे यू कैन गो विद डिजिटल मार्केटिंग. अ डिफरेंस वी विल बी गोइंग विद द डिजिटल मार्केटिंग इज कम्युनिकेशन. इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका कम्युनिकेशन वन बाय यूनिडायरेक्शन, मतलब वन ओनली द बिजनेस कैन ओनली कम्युनिकेट. तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो कुछ करना है, तो वो कनेक्ट रहे टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. मगर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे आप बाय डायरेक्शन है, कस्टमर ऑफ और कस्टमर ऑफ द बिजनेस मैन हु आर गोइंग विद, दे कैन इंटरकनेक्ट विद ईच अदर. कस्टमर सजेशन दे सकता है, क्वेरीज होगा तो आप उसके सॉल्व कर सकते हो. तो बहुत आसान अच्छी चीज़ है कि आप डेवलप कर रहे हैं, आपके फॉर्म डेवलप होती है. यहाँ कम्युनिकेशन आपको फ़ोन कॉल्स, लेटर्स और ईमेल्स में होता है, जबकि यहाँ जो होता है सोशल नेटवर्किंग. सबसे मेन चीज़ आज के ज़माने में सोशल नेटवर्क्स जो मीडिया बन गया है, जहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हो अपनी, ये वो एक चीज़ हो गई है. नेक्स्ट इज़ कंपेनिंग टेक्स मोर टाइम. मतलब यहाँ पे आप कोई चीज़ को कंपेनिंग करना चाह रहे हो, कोई चीज़ को डिज़ाइन करना चाह रहे हो, इसको लॉन्च करना चाहते हो कोई प्रोडक्ट को, तो इसको टाइम बहुत लगता है. मगर यहाँ पे वैसा नहीं, क्यों, क्योंकि ये डिजिटली है, इंटरनेट बेसिस है, तो ऑनलाइन आप आराम से इसको आप किसी एड्स में डाल के आप प्रॉपर क्लिक ये कर सकते हो. बहुत ईजी वे में ये वर्कआउट करेगा. इट इज़ कैरिड आउट फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस थ्रू आउट फ्रॉम जनरेशन. ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, जैसे कि एक क्रीम है तो स्पेसिफिकली उसी के बारे में. मगर यहाँ पे आपका एन नंबर जेनरिक जनरल पब्लिक. इट इज़ द मोर मेड टू रीच द स्पेसिफिक ऑडियंस बाय एम्प्लॉइंग सर्च इंजन. यहाँ पे आप अगर अमेजोन देखो, ये क्या आप सर्च इंजन है, अब उस तरह से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो आप, हो सकता है तो आपको चेकआउट करना रहे तो आप ढूंढ के अपनी चीज़ें ढूंढ सकते हो.
इट इज़ अ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको क्या दिख रहा है, इट इज़ अ कन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग बेस्ट फॉर रीचिंग लोकल ऑडियंस, पर ये ग्लोबल है, ये लोकल के लिए काम कर रहा है, ये ग्लोबली 24/7 काम करेगा, और ये क्या होगा भाई, ओनली फॉर 12 आवर्स और 10 आवर्स और 8 आवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द इफेक्टनेस ऑफ द कैंपेन, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे आप कितने इफेक्टिव है, आपकी मार्केट कितनी इफेक्टिव है, बाकी यहाँ पे कैसे आप एनालाइज कर सकते हो अपनी मार्केटिंग को और उसके फिर और अच्छा इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। दिस इज़ वॉट वी आर हैविंग विद द ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेज डिजिटल मार्केटिंग। सो वी चैलेंज इन डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट SEO, दैट इज द सर्च इंजिन optimization is the process of boosting the content of the technical setup of the website so that it appears at the top of it. तो आपको क्या करने वाला है, आप जैसे कि ये बहुत आपने देखा होगा, एक सिंपल चीज़ है, अगर कोई उसको सब्सक्राइब कर रहा है कुछ है, तो आपका हर बार इंजन, और कभी ऐसा भी होता है कि आप पे करना पड़ता है ताकि आपका ऑप्टिमाइजेशन लेवल अप रहे, तो जब भी कभी खुले तो सबसे पहले आपका दिखे, तो ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। SEO इज टू अट्रैक्ट विजिटर टू योर वेबसाइट एंड दे बहुत अच्छा, ये ऑप्टिमाइजेशन से और टेक्निक से आप क्या कर रहे हो, जो विजिटर जो भी साइट पे आ रहा है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो फॉर रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स योर सर्विस रिलेटेड टू योर बिजनेस। सो ये आपका कॉन्सेप्ट, देखो ये SEO है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि SEO से ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट रिलेटेड सारी चीज़ों के, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब पहला तो इसका ये है कि SEO इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग कंटेंट एंड टेक्निकल सेटअप ऑफ द वेबसाइट सो दैट इट अपीयर, तो आप अगर वेबसाइट बहुत अच्छे से डिजाइन अप होगा और अट्रैक्टिव होगा तो मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से होगी। नेक्स्ट, फ्रॉम SMS एंड MMS टू इन एन ऐप मार्केटिंग, देयर इज आर मेनी वेज टू गो थ्रू द मोबाइल मार्केटिंग। पहले तो SEO था, अब नेक्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग आप देखते हैं आजकल बहुत एक चल रहा है कि हमारे मोबाइल मार्केटिंग, जैसे आप एक ऐप क्लिक किए और उससे आप कोई वर्कआउट कर लिए, आपकी मार्केटिंग के ऊपर देख लिए, कोई कंटेंट आपको देखना बिजनेस, तो आप अपने ऐप्स डिज़ाइन कर लिए, उसे इंस्टॉल कर दिए, वो ईजी भी पड़ता है फॉर द कंज्यूमर ऑल्सो एंड फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग चैनल इज कंपनी कम्युनिकेट विद द ऑडियंस थ्रू ईमेल मार्केटिंग। अब नेक्स्ट कौन सा है आपका मार्केटिंग, पहला SEO था, फिर मोबाइल बैंकिंग, अब है आपका कौन सा मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में जैसे आप ईमेल्स डाल दिए, प्रमोट कर रहे अपने कंटेंट इवेंट्स को एंड डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू डायरेक्ट व्यूअर टूवर्ड्स द बिजनेस वेबसाइट, और बहुत आसानी से ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट वी हैव पेड सर्च और पेड बाई, ये बहुत बड़ा एक बहुत है कि लोग बहुत सारे वेबसाइट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च इंजन पे डाला, इफ यू पे जस्ट क्लिक ऑन डेट यू विल बी गेटिंग अ पेपर क्लिक, तो हर चीज़ जितने बार सर्वे, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि यूट्यूब पे आ जाता है सर्वे, कुछ होते हैं पेड सर्च वाले सर्वे, आप उस पर क्लिक करते जाएंगे तो आप अर्न कर सकते हो, ये अट्रैक्टिव बिजनेस का ये है, मतलब यहाँ PPC ads are visible, flexible and effective for many different types of program, which pay search we only pay when our ad is clicked. We can tailor our ads to appear when specific search places are entered. This is one of the main thing you can go with. So this is one of the thing. नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग कंटेंट मार्केटिंग, अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो इट विल बी वर्किंग अप, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी मार्केटिंग का, जैसे कि शेयरिंग होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए, डिजिटल ऑनलाइन होना चाहिए, वेरियस फॉर्मेट होना चाहिए, चैनल्स होना चाहिए, ब्लॉग्स बनते हैं, ई बुक्स होते हैं, ये सारे सब चीज़ों पर्टिकुलर कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट अच्छी होगी तो लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। And my denotes to the creation and promotion of content assets in order to generate brand awareness, lead generation, traffic growth and customer. और यह प्रोवाइड, अब मैं आपको सिंपल बोला ना, वीडियोज, ब्लॉग्स, ई ब्लॉग्स, वो सारी ऐसे चीज़ है, तो आपका कंटेंट अच्छे से अगर आपने डाला होगा तो एक तरह से कंटेंट मार्केटिंग से भी आपका डिजिटल मार्केट बूस्ट कर सकता है।
Next, we are having social media, the main platform nowadays we are having up. यहाँ पे आपको क्या दिखेगा भाई, सोशल मीडिया एन नंबर है, इंस्टाग्राम है आपका, गूगल है आपका, व्हाट्सएप है, पिनएक्ट है, ट्विटर है, इन आपका इन लिंक्डइन है, बहुत यूट्यूब चैनल्स है। ये सोशल नेटवर्किंग का सिस्टम जहाँ आप क्या होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ प्लेटफॉर्म टू प्रोमोट, आप अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस को प्रोमोट कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्लीज़ गो टू द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट।